IJVM Dr. Naren Singh Sekhar, Assistant Professor, Department of Cellular Tantra, Faculty of Ayurveda. In today's class, we discussed about Vanasa according to Vanasa. We will discuss about Vanasa according to Dosa. Okay, students, Dosa Vinsa Vanasa Alva, Tadi Dosa Ke Karan, Vanas Ko Amat Banane Vanasa Niyam Prakar Ke Hain, Vataj. Parusham Shav, Shayam Jadi Mastu, Sharodak, Mans Down, Pulapodak, Sanyi, Pani, Marutad Vonti. Uso Sutra 22 वर्ण श्राव विज्ञान अध्याय में बताया तथा पारस्य कठोर श्याव कृष्णवर्णीय अवश्याद अधि मस्तुक शारदक मांस प्रसारित जल अतकुलाक नामक कुलादक सनेवर कुलाक नामक घास के सरस के समान वर्णीय होता है कष्ट वर्णीय श्राव जिसमें था वो बात वर्ण श्राव होता है तदुन पाद गोमेदक गोमूत्र उशंक सुशंक कषायो दक्तम मादिक तेल सन्निबत पानी गोमेदक गोमूत्र संक भस्म संक कषाय पात मधु तेल के समान स्राव होता है। कफल पितर पिताद गोमेद गोमूत्र संग भस्म संग आयोदक मादिक तेल सन्निबत पानी तो गौमुख सम भस्म संग कसाय मधु तेल के समान स्राव होता है। कफज कफ कफा नीत काशी मध्य पृष्ठ तेल नारी तेल उदक वरस ध्वनि नवनीत मक्खन काशी मध्य पृष्ठ तेल नारी तेल उदक नारियल का पानी वरस रसा सूर्य चर्बी के समान स्राव होता है। खराब होता है। अधिक पित्त वध रक्ता आदि स्वस्थ सन्निपातिक सन्निपात नारी के रोजक नारी के रोजक पकड़ी के रस के जैसा कांजिक प्रसाद कांजी के प्रसाद युवा के समान आगे तक प्रियंक हुए अप्रत मुझक यूज ये समान स्राव होता है। असाध्य स्राव पप्पा से आद असाध्य स्तूप पुला का दो सन्नी पे स
रोदके निवेश राहु वृज्जो रक्ता स्यात् श्रवण आमस्यात् कालायम्भो निगस्य त्रिक संधिज्ञा 22 10 11 प्रकाश से फूला पदक प्रकाश से क्षारोदक आमस्य से त्रिक संधिज्ञा कलायम देश सुमट के उसके समय इस प्रकार के श्राव साध्य होते हैं। वन वन भस्म तपो दस्ति वर्ण परसो अरुण कृष्ण इति नाव तेजस्य नील पीतो हरित श्याव कृष्णो रक्त पिंगल इति रक्त पित्त समुत्थायो श्वेत स्निग्ध पांडु इति श्रेष्मजस्य सर्व वर्ण पेत सन्निपातये इति वायु के द्वारा दूषित वर्ण का भस्म है तो भस्म कपोत वर्ण अरुण कृष्ण वर्ण इनके समान होता है तथा स्पर्श कठिन होता है। रक्त पित्त से दूषित वर्ण का वर्ण पिथहरित श्याव कृष्ण वर्ण पिंगल कपिल वर्ण होता है कपल तब से दूसरे चरण का वर्ण से स्निग्ध वाणी पांडुवाणी पांडुवाणी होता है रक्त वर्ण के समान होता है। सन्निपाति सन्निपाति वर्ण का वर्ण सर्ववर्ण मिश्रित होते हैं। अगर वेदना तोर वेद ताड़न मारन जयभाई से बताया कि तोर वेद ताड़न मारन छेदन खींचना मंथन करना मतलब क्षेपण फेंकना चिमचिमायन अग्नि चूर्ण करने के समान पत्थर से गुजर जाने के समान विदारण ऊपर खींच कंप नाना विध सूल सत्य का आपन पूर्ण हम किसी टूटने जैसे वेदना चंचलता इस प्रकार की वेदना होती है वो सब वातावरण जीवन की वेदना होती है। पितज ओस चोस दाय दुमायन अंका उष्णता वृद्धि सार दग्धवत वेदना पितज पितज वर्ण के समान कपल कंडु गुरत सत्व उपदेह शरीर लिप्त अनुभूत अल्प वेदना स्तंभ सत्य आदि लक्षण से युक्त वर्ण कपल होता है। कन्या पर सभी प्रकार की वेदनाओं की अनुभूति होती है। केवलम वर्णेषु उक्तो वेदना वर्ण संग्रह है जो संग्रह केवल वर्ण के लिए नहीं बल्कि वर्ण के साथ सभी प्रकार के वातादि सोप के लिए है ये बताया। इसलिए सामान्य स्पेशल बात बताई है सभी प्रकार की वातादि सोखों के लिए भी लागू होता है। ये बात संगीपाद वेदनाओं के वर्ण होते हैं उनका संग्रह अपने इस अध्याय में अपन ने पढ़ा वातादि दोषों के अनुसार वर्ण श्राव उसके बाद वर्ण उसके बाद अपन ने वर्ण 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 पढ़ा उसके बाद वर्ण वेदना पढ़ी। सो स्टूडेंट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयपुर।
reply if you are such a if you have doubts and queries and some comments, folks, I will resolve it soon. Thank you, students. संचरणम् अम्लिका विपासः परिदाह तन्न द्वेष सर्ज उत्क्लेश जायन्ते इति क्रियाकालम् सूत्र 21 अध्याय 27 ये संचित दोष होगा अगर प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा नहीं की गई तो ये दोष संचय होकर प्रकोप अवस्था को प्राप्त होते हैं। उन प्रकोप अवस्था में प्राप्त निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कोष्ठ तोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्य द्वेष हृदय उत्क्लेश सस्त जायन्ते। क्रियाकालों सत्ताईस में बताया अगर द्वितीय क्रियाकाल में चिकित्सा नहीं की गई तो ये दोष प्रकोप होकर प्रसर हो जाएंगे और तो प्रसर अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अगर द्वितीय अवस्था प्रकोप अवस्था में इनका शोधन सामान्य शोधन चिकित्सा के द्वारा ठीक है तो ये अगले अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जैसे ही अगले अवस्था में प्रवेश करते जाएंगे इनके रोगों की साध्यता बढ़ती जाएगी। प्रसरण डिस्कस करेंगे प्रसरण इतेव पंचदशता प्रसरन्ति सूत्र 21 अध्याय 28 पंचदशता प्रसरन्ति अर्थात ये 15 प्रकार से दोष बात वित्त कब दोष 15 प्रकार से प्रसिद्ध हो सकते हैं। उनके निम्न लक्षण होते हैं एवं प्रकोपिता नाम प्रसरताम च वायु मार्ग गमनम आटो को ओस जोस परिदाय धूमाय नाने लिवितस्य अरोचक उपाकंग साध सर्दिश चति श्रेष्मणो लिंगानि भवन्ति। तृतीय क्रियाकालम दोष प्रसरावस्था में होते हुए वायु के मार्गमन आटो ओस जोस परिदार दुमायानी पितश्य अरोचक विपाक अंगसाद छर्दिश श्लेष्मणो लिंगानुवान्ति। ये लिंगन में दिखाई देते हैं। अगर द्वितीय अवस्था में अगर इनका चिकित्सा कर दी गई तो ये प्रसर अवस्था आगे ऐसा अवस्था में चयन नहीं हुए वही दोस्तों का समान हो जाएगा। अब स्थान एम प्रकोपिता नाम तांस्ताम शरीर प्रदेश से तांस्तान कालीन जयंती तत्र पूर्व रूप से सूत्र से चतुर्थ काल ये प्रकृति दो शरीर में प्रदेश करते हुए जहाँ जहाँ संस्थान व्याधि उत्पन्न करते हैं तत्र पूर्व रूप से चतुर्थ इसमें व्याधि के पूर्व रूप दिखाई देते हैं। ऐसा क्रियाकाल यह चतुर्थ क्रियाकाल है। व्यक्तावस्था तत् ऊर्धम व्याधे दर्शनम वक्षाम सोप अर्बुद ग्रंथि विदर्धि विसर्ग प्रवृत्ति नाम पर्वत रक्षणाम ज्वर अतिसार प्रवृत्ति नाम से तत्र पंचम क्रियाकाल व्यक्तावस्था में पंचम क्रियाकाल होता है। अरे अर्थ लास्ट वेदावस्था तत्र ऊर्धम एवं तेषाम अवधीनानाम और
प्रभावं पन्ननं सुष्टं क्रियाकालं ज्वरतिसारप्रवृत्तीनां च दीर्घकालानुबन्धि तत्र प्रत्यकालानुसाधयति। डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्या डिजिटल सेशन डाउट।